संदीप जी, डीएलएफ के अंदर 5 सफाई कर्मचारी बताकर जो लोग सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में उतारे गए उनकी मौत हो जाती है, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो दलित समाज से हैं, SC ST समाज से हैं, कुछ OBC समाज से हैं, और वो लोग थे जिनको उससे वो उनका कोई विभाग नहीं था, वो सफाई मतलब कर्मी नहीं थे। ऐसे में कितनी बड़ी लापरवाही एक हो जाती है, क्या वजह रहती है इन सब हादसों के पीछे, और सब सरकार जो है वो सब इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है? देखिए, जब हम दिल्ली सरकार में मंत्री थे इस तरह की घटनाएं काफ़ी हुई थी, तो हमने केजरीवाल से एक बात कही कि सर इसको मैकेनाइज क्यों नहीं किया जाए कि लोग जो है ना शिविर में उतरे ही ना। तो हमारी बात से सहमत होकर के एक टेंडर भी निकाला दिल्ली जल बोर्ड में, जिसमें 200 सुपर सकर मशीनें आनी थी, और वो उन फैमिलीज के लिए टेंडर था जो लोग शिविर में उतरने के दौरान हत्याएं हुई, उनकी मरे वो लोग और जो लोग सफाई का काम करते थे। तो इसमें एक वाइस चेयरमैन है दिनेश मोहनिया जी दिल्ली जल बोर्ड में, और एक हमारे मंत्री हैं, SC ST मंत्री हैं, आप सब जानते हैं, एक वो हैं, और एक किन लोगों ने इस तरह स्टेटमेंट दी, राजेंद्र गौतम जी है, इन लोगों ने बार बार ऐसी स्टेटमेंट दी ताकि डिक्की की तरफ लोग आकर्षित हों, और डिक्की को इन्हें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया, उस पूरे उसमें फैसिलिटेटर बनाया और डिक्की की तरफ ले गई, और उसमें धीरे धीरे एक्सटेंड करते गए उसमें SC ST फिर OBC और फिर अदर लोग भी डाल दिए। तो उसमें जो सफाई कर्मचारी थे जो शिविर में लोग मरे थे उनको सिर्फ 40 मशीनें मिली हैं उनके नाम पे, औरों को 160 दूसरे लोगों को दी गई जिनकी वो पैसा नहीं करते, और वो करवाएंगे किससे, वो हमारे ही लोगों से करवाएंगे, क्योंकि अगर हम लोगों को, मुझे आज भी कहा जाए, मैं MLA हूँ, अगर मुझे नाली साफ करनी तो मैं कर दूंगा, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं, हम लोग वो काम करते हुए आए हैं, और उन लोगों को जो व्यापारी बनाने की बात आई तो दूसरे समाज को आप लोगों ने बेनिफिट दे दिया। और जहाँ तक आपने DLF की बात की, वो जो लड़के थे जो सफाई कर्मचारी नहीं थे, वो हाउसकीपिंग के लड़के थे, उनको फोर्सफुली नीचे उतारा गया उसमें, और जब वो अंदर गए तो उनकी केमिकल से उनसे जान गई, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, इनका एक्ट है मैनुअल स्कैंजर एक्ट, आप किसी को खड्डे में भी नहीं उतार सकते इस मैनुअल स्कैंजर के लिए। तो उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, और ये मसला जो है ये इन्होंने क्या किया, जो सुपरवाइजर था उस पर कपमल होमसाइड के तहत 304 में FIR कर दी। ये कपमल होमसाइड नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है, जो प्रिंसिपल है और जो मास्टर है, जो स्टूडेंट है उसका मसला है। इसमें मास्टर कौन है? इसमें मास्टर DLF है, प्रिंसिपल जो है वो DLF है। DLF के मालिक के खिलाफ FIR होनी चाहिए, और जो कंपनी है जापान की उसका इंडिया में बैन होना चाहिए कि उसको काम ना मिले, इंडिया में ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए। इन लोगों ने सारा मसला वो जो है ना भटका दिया। हम लोग कल DLF भी गए थे, उसमें मैंने देखा फिर वहाँ पर मनोज तिवारी भी थे और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर BJP के, तो कह रहे जी यहाँ धरने बैठ जाओ, ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा यार सरकार तुम्हारी है, तुम कहते हो सबका साथ सबका विकास, बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ऐसे शिविरों में जबरदस्ती उतारोगे, मारोगे आप लोग, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आप इनको बुलाओ कमिश्नर को यहीं पर, और जो है इसके खिलाफ FIR करो, इनकी गिरफ्तारियाँ कराओ। वो उन्होंने मसला बिल्कुल दाएं बाएं कर दिया, और आज पता ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं। और मैं तो कहीं ना कहीं सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी जिम्मेदार मानता हूँ, जिसके जल बोर्ड के चेयरमैन केजरीवाल साहब हैं, उनको जो हमने पहले ही आगाह किया था कि इस तरह की हरकतें होती हैं, और जब हमने क्वेश्चन विधानसभा में भी लगाया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो मुझे मार्शल आउट करवा दिया गया, और अलका लंबा वहाँ पर आवारा कुत्ते और बंदरों पर चर्चा कर रही हैं। मतलब वाल्मीकि समाज मरे, वो शिविर में जाए मरे, केजरीवाल को टेंशन नहीं है, आवारा कुत्तों की और बंदरों की टेंशन है, तो मार्शल आउट करवाया सारे समाज ने, सारे लोगों ने देखा वो। तो ये सरकार जो है, चाहे उस केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, ये लोग दलित विरोधी हैं और ये लोग बहुजन विरोधी हैं। देखिए, मैं इस समाज के लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप लोग ये सफाई के पैसे में जरूर जाएं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जैसे शिविर में उतरना या नाले में उतरना, ये काम इंसानियत के नहीं है, आप लोग ये काम ना करें बिल्कुल भी। अगर आपसे कोई फोर्सफुली करता है तो आप लोग 100 नंबर पर फ़ोन करो, हम लोगों को फ़ोन करो, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन अगर आप लोग हमें अपना बेटा, अपना भाई, अपना कुछ समझते हो, तो ये आज से ही बंद कर दो शिविरों में उतरना। और मैं आपको बताऊं, ये ड्रामे करते हैं ये लोग। कल दिल्ली सरकार ने भी पलड़ा झाड़ लिया, केजरीवाल झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेके आया था, झाड़ू वाड़ों को निपटाने में लग गया। इसके MLA जितने भी हैं दिल्ली में, सारे के सारे वहाँ मैनुअल स्कैंजर होती है शिविर डिपार्टमेंटों में, ये अपने ही आकर रहे हैं, तो फिर ये कैसे बचेगा इस समाज? बड़ी संख्या में वोट मिला समुदाय का, लेकिन अब चुनाव करते हैं और इस तरह घटनाएं देखने को मिलती है, आपको लगता है इसका कुछ इम्पैक्ट होने वाला है? आप सर एक चीज देखिए, केजरीवाल 67 सीटें लेके
दिल्ली विधानसभा में पहुंचा और हमारे समाज ने एक बहुत बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज ने झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे आकर्षित होके मोहित होके या रोजी रोजगार समझ के कि हमारे दिन अच्छे आएंगे इस आदमी को विधानसभा में लेकर, ठीक है, इन्होंने क्या करा, हर दो महीने में हड़ताल होती, आज भी हड़ताल थी, केजरीवाल के घर का घेरा हुआ रखा था, हर दो महीने में हड़ताल, जब हम मंत्री थे जब भी हड़ताल हुई केजरीवाल ने मुझे कहा कि अपने लोगों को समझाओ, मगर आज समझाने का वक्त नहीं, आज समाधान का वक्त है, मैं मंत्री हूँ, आप पैसे दे दो इन लोगों को, समझाना क्या है। तो ये जब से केजरीवाल आया है, जब से इस समाज की बदतर हालत हुई है, और मैं तो कहूँ 30-35 मौतें तो सरकार के आने के बाद हुई है, इसने क्या क्या किया भाई, आज तक कभी कोई इस तरह के, इन पर DLF दिल्ली में है जमीन, सब कुछ दिल्ली सरकार देखती है, लेबर डिपार्टमेंट आपके पास है, इसके टावर रुके हुए थे, ये टावर है चलवाए दिल्ली सरकार ने ही, है ना, अब उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा, कितने पैसे का खेल हुआ होगा, इन लोगों ने परमिशन दी लेबर डिपार्टमेंट ने, पहले लेबर मरे थे यहाँ पर, तो ये सब कुछ दिल्ली में, और आप लोग दिल्ली में बैठे हो हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो आम आदमी की, लेकिन क्या हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा आम आदमी की। देखिए आप एक चीज समझ लो, इस देश में अप्रवासी भारतीयों की सरकार है, अप्रवासी भारतीय समझते हो आप, ये NRI हैं, यहाँ पर आके कब्जा कर लिया इन लोगों ने, तो इनको यहाँ के बेसिक लोगों के मूल निवासियों के भोजन की क्यों चिंता, ये तो जब खुलेआम गोलियों से मार रहे हैं आपको, लाठी डंडों से मार रहे हैं, तो शिविर में उतार के मारना कौन सी बड़ी बात, ये लोग तो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं, और हमारे लोग इनको बनाए जा रहे हैं, इनको खूब वोट देते हैं, खूब इनको नोट देते हैं, इनके मंदिर मस्जिद सारी जगह जाते हैं, इनके चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो ये जो शिविर में जो लोग मरे ये बिल्कुल अमानवीय है, और हम लोग इसमें अभी PIL डाल रहे हैं हम लोग, है ना, हम 200 मशीनों का जो मुद्दा था उसमें PIL डाल रहे हैं, है ना, और हम लोग जो है ना दिल्ली भी बंद करेंगे, थोड़ा सा समय दिया इन लोगों को, अगर ये नहीं करते तो दिल्ली बंद करेंगे हम लोग, सारी चीज़ें करेंगे। देखिए गिरफ्तारी में लेके कल मेरी मीटिंग हुई थी कुछ BJP के लोगों से भी, उनको हमने ये कहा कि आप इसमें क्रिमिनल एक्ट में मत जाओ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओ आप, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओगे तो सीधे जेल में जाएगा DLF का मालिक, लेकिन क्रिमिनल में ये बच के निकल जाते हैं, जानबूझ के वो ऐसे सेक्शन इस्तेमाल करते हैं कि 2 मिनट में इनकी जेल से बेल हो जाए और ये लोग बाहर घूम जाए, और मर तक उन्हें पहले कौन सबसे बड़ी मछली, फिर उससे छोटी मछली को देते हैं, फिर उससे छोटी मछली, आते आते नीचे SC ST OBC के आदमी को ही इन्वॉल्व कर देते हैं, ये खुद ही कहते हैं कि ये लोग थे जी, ये लोग थे जी, वो सारा मसला आपके आगे चल ही रहा है। अगर ये नहीं होती है इस हफ्ते में, अगर ये नहीं होती तो हम जंतर मंतर में प्रोटेस्ट भी करेंगे और दिल्ली बंद भी करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हम समाज के लोगों के साथ करें। अभी हम लोगों ने मीटिंग करनी है आज एक, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि क्या करते हैं। हम लोगों ने केजरीवाल से भी मुलाकात की थी कई दिन पहले, तो उन लोगों का भी कोई स्पष्ट सा जवाब नहीं था, ऐसा लगता कि मतलब कोई सेंसिटिव है ही नहीं, इस मुद्दे पे संवेदनशीलता है ही नहीं। देखिए जो ये ड्रामा करते हैं, बेहतर शिक्षा का, बेहतर स्वास्थ्य का, है ना, बेहतर बिजली पानी का, आप पब्लिक में जाओ आपको पता चल जाएगा क्या माहौल है, हॉस्पिटलों में जाके देख लो, मैं कल अपने खुद अपने पिताजी को एम्स ले गया हुआ था, मैं 3 घंटे खड़ा रहा था और फिर वो डॉक्टर उठ के चला गया, क्योंकि हमें तो वो एंटरटेन भी नहीं करते सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, और आप जाके हमारे दफ्तर में बैठ के देख लो आप, इतने इतने बिल आ रहे हैं पानी के बहुत ज़्यादा, बिजली के इतने चार्ज बढ़ा दिए हैं, बहुत बुरा हाल है। देखिए मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो लोग भी सामाजिक काम में हैं, आप इबादत से पूरी मेहनत से थोड़े से दिन समाज की दलाली करना बंद कर दो, अपने समाज के लिए दिल से गहराई से सोचना शुरू कर दो, हमारे समाज का शोषण बंद हो जाएगा, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे ना तो इनकी औकात क्या है ये लोग हमारे लोगों के लिए काम ना करें।